नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिज्ञासा ऑफिशियल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कीड़ों के बारे में, जिनके एक बार काटने से किसी भी इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 10, बॉटफ्लाई। बॉटफ्लाइज मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये आम मक्खियों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये जब किसी इंसान को काट लेते हैं तो अपनी लार्वा से इंसानों की स्किन के अंदर कुछ पैरासाइट छोड़ देते हैं, जिससे इंसान अपने शरीर में कुछ चलते हुए भी महसूस कर सकता है। और ये लार्वा धीरे धीरे इंसान के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। अगर मादा बॉटफ्लाई इंसानों या जानवरों को काट लेती है तो ये उनकी स्किन में अंडे दे देती है, जो शरीर के अंदर 60 दिनों तक रह सकते हैं। ऐसे में भलाई इसी में है कि इस मक्खी से हमेशा दूरी बनाकर ही रखें। नंबर 9, बुलेट आंट। बुलेट आंट सबसे बड़ी चींटियों की प्रजातियां हैं। इनका यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि माना जाता है कि इनके काटने पर 24 घंटों तक गोली लगने जितना असहनीय दर्द होता है। इनका डंक मधुमक्खियों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके डंक से कितना असहनीय दर्द होता होगा। नंबर 8, फनल वेब स्पाइडर। ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और मकड़ियों की ऐसी प्रजाति है जिसके काटने पर अगर इंसान इलाज न कराए तो उसकी मौत तक हो सकती है। इसका ये नाम अपने जाल बनाने के तरीके से रखा गया है क्योंकि इनका जाल फनल जैसा दिखाई देता है। ये दिखने में 1 से 5 सेंटीमीटर तक होते हैं और ठंडी और नमी वाली जगहों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। फनल वेब स्पाइडर की 35 के करीब प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 6 ऐसी है जो इंसानों के लिए जानलेवा होती हैं। नंबर 7, स्कॉर्पियन। बिच्छुओं के बारे में तो सबने सुना होगा और देखा भी होगा। बिच्छुओं की 1700 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी में कुछ मात्रा में जहर होता है, लेकिन 25 प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनके जहर से इंसानों की मौत भी हो सकती है। जहरीले बिच्छू अधिकतर गर्म जगहों जैसे कि रेतीली जगहों में पाए जाते हैं। रेड स्टॉकर और इंडियन रेड स्कॉर्पियन उन जहरीले बिच्छुओं का उदाहरण है जिनके डंक से इंसानों की मौत हो सकती है। नंबर 6, किसिंग बग। ये कीड़ा इंसानों और अलग अलग जानवरों का खून चूसने के लिए जाना जाता है। इसे किसिंग बग का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये हमेशा इंसानों के होठों से खून चूसता है, क्योंकि शायद इसे यह हिस्सा नरम लगता है और खून चूसना आसान होता है। लेकिन जब भी यह किसी का खून चूसता है तो शरीर में ट्राइपोनोसोमा क्रूजी नाम का पैरासाइट छोड़ देता है। किसिंग बग से होने वाली बीमारी को चंगस कहा जाता है और चंगस के कारण हर साल 12,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 5, जायंट जैपनीज हॉर्नेट। इसका यह नाम इसके आकार की वजह से रखा गया है। ये 2 इंच तक के होते हैं और दुनिया में हॉर्नेट की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये झुंड बनाकर ही रहते हैं और इसके एक कॉलोनी में 700 से भी ज्यादा सदस्य होते हैं। हालांकि ये इंसानों पर अधिक हमला नहीं करते और बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन इनके डंक में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों की जान तक ले सकते हैं। हर साल अपने बचाव के लिए ये इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिसमें से बहुत से इंसानों की मौत भी हो जाती है। ये खाने में अधिकतर शहद वाली मधुमक्खियों को खाना पसंद करते हैं और इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 1 मिनट में 40 मधुमक्खियों को खाने की क्षमता रखते हैं। नंबर 4, किलर एफ्रिकनाइज्ड बीज। ये मधुमक्खियाँ प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। ये वैज्ञानिकों द्वारा अधिक शहद की उम्मीद में ब्राजील के लैब में यूरोपियन और अफ्रीकन शहद वाली मधुमक्खियों के मिश्रण से बनाई गई थी, लेकिन ये वैज्ञानिकों के उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाए और कम शहद देने वाले लेकिन ज़्यादा आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजाति बन गए। और कुछ समय बाद मधुमक्खियाँ लैब से भाग गई और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और हर कॉलोनी में लगभग 80,000 के करीब सदस्य होते हैं। हालांकि इनका डंक ज़्यादा जहरीला नहीं होता, लेकिन ये जब झुंड में हमला करते हैं तो शिकार या इंसानों का 1 मील तक पीछा करते हैं। नंबर 3, बुलडॉग आंट। बुलडॉग आंट्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों की प्रजाति माना गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाई जाती है। इसके आक्रामक और निडर स्वभाव के कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। ये काटते समय अपने डंक और जीभ दोनों का इस्तेमाल करती है और खतरा महसूस होने पर ये एक ही बारी में बहुत सारे डंक मार लेती है और हर डंक के साथ जहर शरीर में छोड़ती है। इसके इसी स्वभाव के कारण एक व्यस्क इंसान की मौत 15 मिनट में भी हो सकती है, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि यह बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है और इसी कारण इंसानों से इसका सामना बहुत कम बार होता है। नंबर 2, सरसे फ्लाई। सरसे फ्लाई अफ्रीका में पाई जाती है। ये इंसानों और जानवरों का खून चूसती है और उनके शरीर में एक खतरनाक जहर छोड़ देती है। इस जहर से इंसानों को कुछ देर में नींद आने लगती है और अगर समय पर इलाज ना किया जाए और उस इंसान की इम्यूनिटी कमजोर हो तो सरसे जहर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये कितना जानलेवा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र अफ्रीका में ही इसकी वजह से हर साल लगभग 5 लाख के करीब इंसानों की मौत हो जाती है। नंबर 1, मॉस्किटो। मच्छर कीड़ों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में सबसे ऊपर है। छोटे से ये जीव डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी फैलाते हैं, जिसके कारण दुनिया में हर साल लगभग 7 लाख से 10 लाख तक लोगों की मौत हो जाती है।
जो कि किसी भी कीड़ों या जानवरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। मच्छर लोगों का खून चूसते हैं और अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आते हैं और इंसानों के शरीर में डाल देते हैं, जिससे इंसानों को जानलेवा बीमारी होने का खतरा होता है। मच्छर ज़्यादा खतरनाक इसीलिए भी है क्योंकि ये दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार मच्छर धरती के पारिस्थितिक तंत्र के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए अगर इनकी प्रजाति को पूरा ख़त्म भी कर दिया जाए तो धरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनको ख़त्म करने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इन्हें ख़त्म करना नामुमकिन सा हो गया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कीड़े। हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।